देखो बच्चों, आज हम आपको इस भाग मशीन से आप लोगों को भाग करना बता रहे हैं। भाग का मतलब है किसी चीज को बराबर बराबर भागों में बांटना। पहली बात ये समझो, समझ में आया? इस भाग मशीन में क्या खासियत है, भाग कैसे करेंगे? अब तुम ये टेंशन में आ गए होगे, हैं? इसमें 13 कप लगाए हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। आप ज्यादा भी कप ले सकते हैं। अच्छा, इन कपों के नीचे नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है? अच्छा, दो बॉक्स बनाए हमने, एक का नाम है यहाँ पर कंचा बॉक्स, ये लिखा हुआ है कंचा बॉक्स। क्या लिखा है? कंचा बॉक्स। अच्छा, दूसरे बॉक्स का नाम लिखा है प्रश्न बॉक्स। क्या लिखा है? प्रश्न बॉक्स। तो हमने दो प्रश्न लिए हैं और इस मॉडल से हल करेंगे। 24 को भाग कर रहे हैं 8 से, और दूसरा प्रश्न लिया 30 को भाग करेंगे 10 से। तो कैसे होगा इस मॉडल से, है? तो टेंशन की कोई बात नहीं है। सबसे पहले ये 24 लिखा हुआ है यहाँ पर, 24 कंचे लेके यहाँ से कंचा बॉक्स इसमें डालेंगे। देखो डालो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। कितने कंचे ले लिए हमने? 24। इससे चलाने का सीखो, सबसे पहले जितना यहाँ पर है उतने कंचे इसमें ले लिए, इस वाले बॉक्स से, कंचा बॉक्स से। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब ध्यान से देखिए, यह भाग किससे दे रहे हैं? 8 से। तो हम 8 कप लेंगे, इसमें 13 जो कप दिए हैं उनमें से 8 लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इतने कप लेंगे। समझ में आ गया सबके? यस सर। कितने कप लेंगे? 8। ये कितने कंचे लेंगे? 24। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब बारी बारी से ये कंचों को 8 तक डालते चले जाओ, एक एक करके, एक इसमें, दो में, तीन में एक, चार में एक, पांच में एक, छह में एक, सात में एक, आठ में एक, यहां तक डालेंगे। फिर दोबारा रिपीट करेंगे जब तक खत्म ना हो जाए इसके, एक में एक, दो में एक, तीन में एक, चार में एक, पांच में एक, छह में एक, सात में एक, आठ में एक। समझ रहे हैं बच्चों? आगे फिर देखो, जितने रहेंगे फिर रिपीट करेंगे, एक पहले में, दूसरे में, तीसरे में एक, चौथे में एक, पांच में एक, छह में एक, सात में एक, आठ में। अब इस प्रश्न बॉक्स में कोई कंचा बचा? नो सर। कोई बचा? नो सर। अब देखिए सब में यानी कितने कितने कंचे हैं, इसमें निकालो तो कितने कंचे हैं, कितने आए? तीन। इसमें देखो कितने आए? तीन। इसमें देखते हैं, इसमें ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, फिर क्या करोगी? तीन। चौथे वाले में देखो कितने हैं? तीन। पांचवे वाले में देखिए कपड़े कितने हैं? तीन ही है। छठे वाले में देखो कितने हैं? तीन। सातवें वाले में देखो कितने हैं? तीन। देखो तीन है। आठ वाले में कितने हैं? तीन। सब में तीन तीन आ रहे हैं कंचे? यस सर। सब में बराबर और बट गए? यस सर। तो हर कप में कितने कंचे आए बच्चों? तीन तीन। तो 24 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 3। कितना आएगा? 3। 8 * 3 = 24। नहीं आया समझ में? आया सर। जितने जितने कंचे आए बराबर बराबर वो यानी आंसर होता है। किसके समझ में आई? आ गई? यस सर। अभी अपने आप करना, एक हम यानी शेषफल वाला करा रहे हैं। देखो अब देखो, जिसमें शेषफल बचता है, हमने ले लिया 25 को भाग कर रहे हैं 4 से। अब शेषफल वाला भी सीख लो, 25। सबसे पहले कितने कंचे लेंगे? 25। यहाँ से 25 कंचे लीजिए, इसे निकालिए। देखो 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, वेरी गुड, 18,
अठारह और तीन इक्कीस, इक्कीस और तीन चौबीस कंचे हैं और यहाँ पर लेंगे कितने हम प्यारे बच्चों, पच्चीस। ये पर डालना पड़ेगा, डाल दिया। यस सर। अब हम कितने कप लेंगे कौन बताएगा? चार। वेरी गुड, तालियां मारो इसे। हाँ चार कप लेंगे, एक दो तीन चार, इतने ही लेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि चार से भाग कर रहे हैं। किससे भाग कर रहे हैं? तो ले चार और इनमें बारी बारी से कंचे डालेंगे जब तक खत्म ना हो जाए। देखो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार एक दो तीन चार, है गलत हो गया? इसमें कितने आ गए? इसमें तीन है, इसमें कितने है? तीन है। चलो ऐसे में डालो, हाँ इसमें तीन हो गए, आप फिर डालो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक बच गया, पांच में डाल दिया। किसमें डाल दिया? आप ध्यान से समझो, पच्चीस को भाग कर रहे हैं चार से, तो इसमें देखेंगे कितने गिनेंगे जरा, कितने बेटा बच्चों? छह। ध्यान से गिनो बेटा, तीन और तीन छह होता है, इसमें देखते हैं तीन और तीन पांच, मत बोल देना। इसमें देखो कितने, चौथे वाले में देखो आखिरी वाले में कितने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाइए, छह, कितने आ गए? छह। तो इसका भागफल कितना आएगा? छह। कितना आएगा? क्योंकि सब में छह छह है, छह छह है सब में, शेष पल में यानी बचा पांचवें वाले में कितना बचा? तो शेष पल कितना हो गया? इसके समझ में आई भाई, चार चार इसमें आए तो भागफल कितना हो गया? छह और एक बचा शेष, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? शेष फल। पच्चीस को भाग करेंगे तो भागफल आएगा छह। देखो हम लिख दे रहे हैं, भागफल आएगा छह और शेष फल कितना आएगा? शेष फल आएगा तुम्हारा एक, जो पांचवे वाले में गया था। सबके समझ में आ गया ये? यस सर। थैंक यू वेरी मच।